हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले बहुत ही अमेजिंग टॉपिक के ऊपर, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके भी जाना। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट कर। मान लो आज से 50 साल बाद टाइम मशीन का आविष्कार हो जाता है और आप टाइम मशीन लेके अपने दादाजी का पास्ट देखना चाहते हो, और आप जैसे ही अपने ग्रैंडफादर के पास्ट में पहुँचते हो आप गलती से अपने ग्रैंडफादर को ही मार देते हो। तो इससे ये सवाल उठता है, अगर आप उस समय अपने ग्रैंडफादर को मार देते हो तो आपकी एग्जिस्टेंस हुई ही नहीं। और अगर आपकी एग्जिस्टेंस हुई ही नहीं तो अगर आपने अपने ग्रैंडफादर को मारा कैसे, यही आज का हमारा क्वेश्चन। और चलिए पता करते हैं इसके बारे में फिजिक्स क्या कहता है। तो सबसे पहला सवाल, क्या ये सच में हो सकता है। अगर फिजिक्स ही माने तो फिजिक्स ये कहता है कि आप पास्ट में ट्रेवल नहीं कर सकते, और मान लो अगर आपने पास्ट में ट्रेवल कर भी लिया तो आप वहाँ जो चेंजेस करोगे उसका वहाँ कोई इफेक्ट नहीं होगा। मान लो अगर आप अपने दादाजी को गन से मारना चाहते हो तो अगर आप गन चलाओगे तो गन ख़राब हो जाएगी, या फिर आप गन से गोली निकल भी गई तो उसी समय ग्रैंडफादर नीचे झुक जाएंगे। आप जितनी भी कोशिश कर लो पर पास्ट चेंज नहीं होगा। पर हम आज ये फाइंड करेंगे, मान लो आप किसी का पास्ट चेंज कर देते हो तो क्या होगा। जो भी अभी तक मैंने आपको बताया है हमें इसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसका जवाब आज तक साइंटिस्ट भी अच्छे तरीके से दे नहीं पाए हैं। पर इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्वांटम थ्योरी से रिलेट करता है। ये थ्योरी हमें बताती है कोई भी एलिमेंट एक ही टाइम पे कहीं बहुत सारी जगह भी रह सकता है। मान लो अगर आपके दोस्त या फिर आपकी एज 16 है तो आप इसी टाइम पे किसी और यूनिवर्स में आपकी एज 14 होगी, और दूसरे यूनिवर्स में आपकी एज रहेगी 12, और दूसरे यूनिवर्स में आपकी एज रहेगी 2 या फिर 1, या फिर आपकी एज 29 या फिर 80 भी हो। तो हमें इससे ये पता चलता है, मान लो अगर आपने टाइम ट्रेवल किया तो आप इस यूनिवर्स में नहीं किसी और यूनिवर्स में जाके ये सब करोगे, और इसका असर आपके यूनिवर्स में या फिर आपके एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अभी जो थ्योरी मैंने आपको बताया ये अभी तक का सबसे सही एग्जांपल है जो साइंटिस्टों के द्वारा दिया गया है। और इसमें मैं ये सोचता हूँ, अगर आपने अगर ऐसा कुछ किया तो आपने जैसे ही अपने ग्रैंडफादर का किल करोगे उसी समय आप भी गायब हो जाओगे, और जो आपका प्रेजेंट है उसमें भी आपको कोई याद नहीं रखेगा, क्योंकि आपकी एग्जिस्टेंस कभी होगी ही नहीं। तो गाइस, यही थी आज की हमारी वीडियो, और आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और प्लीज़ गाइस, मैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, अभी तक कोई भी ज्वाइन नहीं किया है। पूरी प्रोसीजर आपको डिस्क्रिप्शन या फिर लिंक बॉक्स में मिल जाएगी। एंड सी यू एंटिल द नेक्स्ट टाइम, और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और वीडियो को लाइक भी करना। गुड बाय गाइस।